विकास के मुद्दे के लेकर के। आपका झारखंड में बिजली बिल माफ हो गया? आप मैनिफेस्टो के बात किए थे कि 2019 में सरकार ये सब नहीं बोले थे, फिर भी लाएं, लेकिन मैनिफेस्टो में बहुत ऐसे चीज़ था जो नहीं हुआ, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? हाँ, जो नहीं हुआ उठो उसको करना चाहिए। वैसे तो संथाल परगना से कई योद्धा निकले हुए हैं, लेकिन पीछे आप देख सकते हैं यहाँ सिद्धू कानू का प्रतिमा बनाई है, और आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड देख लीजिए, यहाँ से कई रास्ते जाते हैं। यह बरहेट का तिमुहिया चौक है और हम इस वक्त यहीं मौजूद हैं। अब यहाँ आज आप लोग का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। हमारे साथ कुछ भाई लोग भी हैं, बात करते हैं। क्या भैया, क्या है चुनावी माहौल बरहेट का? तो चुनावी माहौल अभी हेमंत सोरेन जी का ही ज़्यादातर है। यहाँ के विधायक हैं हेमंत सोरेन, और बरहेट से विधायक जीत के अभी रांची में हम जो मुख्यमंत्री हैं, तो बढ़िया यहाँ, और हेमंत सोरेन का ही जीत पक्का है ऐसे लग रहा है हम लोग को। क्या बढ़िया है हेमंत सोरेन में, कुछ बताइए, किस तरह का बढ़िया लग रहा है आपको? कोई काम वाम बताइए। यहाँ काम देखिए नया अभी खुला हम लोग का, झारखंड में बिजली बिल माफ़ हो गया पूरा झारखंड में। दूसरा जो मैया सम्मान है उसमें माँ, हाँ, झारखंड सरकार में जो मैया सम्मान है उसमें। इन मुद्दों पे वोट कीजिएगा? हम तो बेरोजगारी को रोजगार का थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इस पर देखभाल का मुद्दा हो कि रोजगारी हो आदमी को। हमारे साथ काफ़ी देर से यहीं खड़ा है अंकल, क्या क्या किन मुद्दों के साथ वोट कीजिएगा? विकास के मुद्दे के लेकर के। किस तरह का विकास? विकास जिस तरह 2014 के बाद इधर जो विकास हुआ है तो अच्छा ही विकास हुआ है। 2014 के पहले बीजेपी की सरकार के टाइम में इतना विकास नहीं हुआ था जो अभी विकास हुआ है। विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं यहाँ से? तो फिलहाल हेमंत सोरेन को देखना चाहते हैं। क्या खास है हेमंत सोरेन पे? हेमंत सोरेन के अंदर में खास है कि 2019 से इसका सरकार जब से बना है तो इनका मैनिफेस्टो में मैया योजना नहीं था। इनका मैनिफेस्टो में बिजली बिल माफ इस तरह का नहीं था जो बिना मांगे हम लोग को मुहैया कराया और हम लोग को दिया। इसमें गरीब तबका का आदमी बहुत खुश है। आप मैनिफेस्टो के बात किए थे कि 2019 में सरकार ये सब नहीं बोले थे, फिर भी लाएं, लेकिन मैनिफेस्टो में बहुत ऐसे चीज़ था जो नहीं हुआ, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? हाँ, जो नहीं हुआ है उठो उसको करना चाहिए, लेकिन जो नहीं बोला गया था वो सब चीज़ मैंने बहुत काम किया है। एक मिनट रुकिएगा भैया, आप इस बार किन मुद्दों पे वोट कीजिएगा? देखिए, मुद्दा तो रहेगा विकास का, और कुछ रहेगा कि कुछ जो है देश के बारे में भी सोचना है, तो इस मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। इस बार किन को देखना चाहते हैं विधायक यहाँ से? यहाँ से तो विधायक जो नए चेहरे होंगे और जो हमारे इस जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र को जो विकास की गति देगी, मैं उसी को चुनूंगा। क्या नाम? मेरा नाम गिरधारी पंडित है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी काफ़ी देर से पहले, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाने चाहेंगे कि लोग यहाँ किस तरह से जमावड़ा लगा लिए हैं, और पूछते हैं कि क्या है भैया चुनावी माहौल? भैया जेएमएम में जीतते आ रहा है और जेएमएम ही जीतेगा, वोट उसी को देंगे। किनको? विकास कर रहा है तब ना वोट दे रहे हैं, बिना विकास में तो वोट थोड़ा ना देंगे, पब्लिक थोड़ा ना इतना बुड़बक है। से जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं भैया आप रोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर? यहाँ तो लोग काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? काम तो सभी करने जाता है, लेकिन सब ठीक है, काम धंधा चलता है, लेकिन प्रदेश तो हर आदमी जाता है। यहाँ तो हेमंत सरकार आया है, क्या अच्छा लगता है? उसी वजह से बिजली बिल माफ़ किया है, हर चीज़ माफ़ किया, सरकार की सबके लिए माफ़ किया है। क्या वो किए हैं यहाँ के लिए? तो रोड बन गया है, हर चीज़ बन गया, पर लाइन का साधन नहीं था, बिजली दे दिया है। आप क्या कुछ कहते हैं भैया? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे श्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत अच्छा काम किए हैं यहां बरहेट से, बरहेट विधानसभा से, और पहले लाइन का बड़ी दिक्कत होती थी यहां पे, अभी लाइन का समस्या दूर है। जब कोई घर जाते हैं देखते हैं लाइन हमेशा अवेलेबल रहता है, ये काम कोई छोटा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है।
आप कहेंगे कि और महिला सम्मान योजना के बारे में, इसमें भी बहुत अच्छा काम किए हैं। अभी प्रत्येक महिला को 1,000 रुपया करके दे रहा है, और जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर वो 2,500 रुपया देने की वादा किए हैं। तो हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है, काम बहुत अच्छा से किया है वो। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे बरहेट के 3 मोहनी चौक का, तो यहाँ के लोगों को सुना क्या कुछ कहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल पटेल।